हेलो एवरीवन, दिस इज सिन्हा सर फ्रॉम सिन्हा एजुकेशन। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो गो टू टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर वन। एक्स वाई एंड जेड थ्री पार्टनर्स आर देयर एंड फोर्थ पार्टनर मिस्टर ए इज बींग एडमिटेड, बट दिस टाइम टेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। In last video, we were solving such question in which old ratio and new ratio both were known to us. Old ratio और new ratio दोनों दिया हुआ था, वो है उस nature का question था। यहाँ का feature समझना है कि old ratio तो दिया है और new partner कितना share पा रहा है, that is given। Nature change कर जाता है। आपको प्रॉब्लम यहां पे फेस करना पड़ेगा कि आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन हाउ टू डिसाइड व्हाट इज द वे बाय विच यू हैव टू गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। टॉपिक एक सिंपल सा दिखता है, बट उसके जो आंसर प्रेजेंट करने के स्ट्रेटजी हैं दैट वेरीज। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया था, टेबलर फॉर्म पे आंसर प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। यहां पे वो नहीं फॉलो होगा, यहां पे क्या स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन। Old ratio in between x, y and z 5:3:2, okay, the new partner is Mr. A, A's new share is given 1/5, 1/5 share. So after getting 1/5 share by A, remaining share for x, y and z would be, a आपके फैमिली के लिए गेस्ट है, तो पहला तो हम लोग गेस्ट को देते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो 1/5 शेयर ए को दे देने के बाद जो हम लोग पहले से थे एक्स वाई जेड, उनके लिए रिमेनिंग शेयर क्या बन जाएगा, 1 minus A's share, 1 minus 1/5। जितना आपने गेस्ट को दे दिया उसको हटा दो, एनी कंप्लीट इज मार्क्ड एज 100% और 1 इज कंप्लीट 1। सो फ्रॉम द टोटल सब्ट्रैक्ट A's शेयर, सो अल्टीमेटली रिमेनिंग शेयर इज 4/5। नाउ दिस 4/5 हैव टू बी शेयर्ड बाई x, y एंड z। गेस्ट को दे देने के बाद अब x, y और z इसी को शेयर करेंगे, x is new share इक्वल टू 4/5। सीधा सा प्रोसेस है, तीनों ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखकर रिमेनिंग शेयर को तीनों के सामने लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। And since in this question it is not mentioned in which ratio old partners will share, नहीं दिया है कि जो बचा हुआ शेयर है x, y और z किस रेशियो में शेयर करेंगे, इट इज नॉट गिवन। सो इन दिस केस रूल सेज द रिमेनिंग शेयर इज शेयर्ड एज पर ओल्ड रेशियो। उस 4/5 को x, y और z अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, एंड आफ्टर दैट सॉल्व। गॉट द पॉइंट? सो न्यू शेयर ऑफ x, y एंड z हैव बीन शोन। जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, मल्टीप्लाई दिस बाय 10 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, 10/50, एंड दस वी कैन गिव द आंसर ऑफ न्यू रेशियो एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस, एक्स वाई एंड जेड एंड एट लास्ट द फोर्थ न्यू पार्टनर, फोर्थ पार्टनर उसको लास्ट में सीक्वेंस देना है और सभी का डिनोमिनेटर सेम है। सो एज पर द रूल लीव द डिनोमिनेटर एंड सिंपली राइट डाउन द न्यूमरेटर, ए का लास्ट में। अभी भी यदि डिविजिबल है तो और उसको लोवेस्ट फॉर्म पे ले जाओ, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 10:6:4:5, दिस इज द रिक्वायर्ड न्यू रेशियो ऑफ द क्वेश्चन।
स्ट्रेटजी चेंज हो गया। बोला ना कि लास्ट डे जो हम लोगों ने टाइप वन किया वो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया था, सीधे टेबलर में ओल्ड शेयर नीचे न्यू शेयर लिख के सब्ट्रैक्ट किया आ गया। बट इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, टाइप बदल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रिमेनिंग शेयर निकाल के फिर फॉलो करेंगे, ठीक है ना। रिमेनिंग शेयर आ गया और फिर तीनों के सामने हमने लिख दिया एंड बाय विच रेशियो वी हैव मल्टीप्लाइड। आपको आंसर शीट में नहीं लिखना है, जस्ट टू मेक यू मोर क्लियर हियर ओल्ड रेशियो दिस वन हैव बीन यूज्ड फॉर शेयरिंग दैट रिमेनिंग शेयर। सिंपल कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन, सो इजी। Oh, 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 oh